एक हमारे पास आया सोल्यूशन कि उनकी भाषा में ही उनको उत्तर दिया जाए। कितने लोग इससे सहमत हैं? आपकी बात थी मदरसे की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप जो मुख्य आतंकियों के अगर हम नाम ले लें, मीरवाइज उमर फारूक ले लें या फिर अफजल गुरु ले लें या फिर अभी जो गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला किया गया था, आईआईटी केमिकल इंजीनियर था वो, मुझे लगता है वो लोग मदरसे गए नहीं है कोई तो। और आपकी ये बात तो बहुत शानदार है कि वायरस है, उसको आप केवल कंटेन कर सकते हैं, वेरिएंट आते रहेंगे, उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपके पास सिर्फ यही चारा है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। बाबरी ढांचे का विध्वंस किया गया, उसके बाद कल्याण सिंह जी की सरकार गिर गई। एक मतलब ये आपका एक्चुअल में ऐतिहासिक शब्द को हम बहुत प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये सचमुच में एक ऐतिहासिक, एक युगकालीन घटना हुई थी। और उसमें आपने नेताओं को क्या संदेश दिया? हम हमेशा नेताओं को दोष देते हैं, पार्टियों को दोष देते हैं, और हम भाजपा को भी बहुत गाली देते हैं, लेकिन हमने क्या संदेश दिया? वो कॉलेज में पढ़ती है और जब भी मैं उससे बात करता हूँ, आप ऐसे कह रहे जी, और मतलब ये है कि मैं अगर समझाना चाहता हूँ तो वो डिस्टर्ब करता है जी, तो एक लेवल के बाद मैंने छोड़ दिया जी, कि ये अगर इसको डिस्टर्बेंस कर रहा है तो मैं कहूंगा तो क्या होता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि वो उधर जा रही है, मैं उसे जाने भी नहीं देना चाहता जी, और मैं फंसा खड़ा हूँ जी। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। नमस्कार सभी को, और आप सभी को ईद उल अदहा की सेकुलर शुभकामनाएं। और साथ में मैं अनुरोध करूंगा कि आवाज़ थोड़ी कम करें, क्योंकि पीटा की तरफ से एक अनुरोध आया है कि जो बकरे हैं उनकी नींद खराब हो सकती है और उनको डर भी लग सकता है। जोक था। तो आज जो हमारा विषय है वो ये है कि आज के परिदृश्य में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं देश में, नुपुर शर्मा भाजपा की एक प्रवक्ता थी, उनके एक कमेंट के बाद एक सिलसिलेवार दृष्टि से कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसा हमारे संज्ञान में है। उदयपुर में हुआ है, कन्हैया लाल जी की हत्या की गई थी, उसके बाद उमेश कोहले जी की हत्या अमरावती महाराष्ट्र में की गई थी, और ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाई हैं, जिसका कारण संज्ञान में नहीं आ पाया। जैसे उमेश जी की भी जो हत्या थी उसका कारण नुपुर शर्मा का समर्थन था, ये वहां पर भाजपा शिवसेना की सरकार आने के बाद ही स्पष्ट हो पाया, अन्यथा 12 दिन तक यही बात थी कि कोई आपसी विवाद था जिसके कारण वो ये हत्या हुई थी। तो ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने इस कारण से सफर किया है, लेकिन वो संज्ञान में सबके नहीं आ पाया। तो इस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं, और चर्चा दोनों ओर से होगी, इंटरेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ बोलूंगा। तो मैं चाहूंगा पहले आप लोगों से ही इसकी शुरुआत की जाए, इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, इसको कैसे देखते हैं और आगे भविष्य की ओर कैसे देखते हैं, कोई भी अगर बोलना चाहे। सर भविष्य तो देख ही रहे हैं, बाजार में अगर विवेक जी तालिबानीकरण शुरू हो चुका है देश का जी, तो दो ही तरीके मुझे नजर आते हैं, या तो एक हो जाओ जी, और कुछ इस तरह का एक्टर ग्रुप बनाओ जो उनको उन्हीं की जबान से वापस दे सके जी, वरना हम छुपे रहो। जैसे कि आपने बताया जी, एक हमारे पास आया सोल्यूशन कि उनकी भाषा में ही उनको उत्तर दिया जाए। कितने लोग इससे सहमत हैं? कुछ तो देख देख के आप आसपास देख रहे हैं, जितने हाथ खड़े हैं जी। तो इसके अलावा और कोई सोल्यूशन किसी को दिखता है, और कोई तरीका है इस स्थिति से बाहर निकलने का? ऐसे लगता है कि ये समझना चाहिए कि वो इतने निडर क्यों हो रहे हैं, जैसे कि उनकी हदीस में कहा है कि ये थर्ड लेवल ऑफ जिहाद है जी, उनकी पॉपुलेशन अभी भी सरकारी आंकड़ों में 17% के क्रॉस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो 30% हो चुके हैं जी। तो कहाँ पे ये गैप आ रहा है जिसकी वजह से आदमी अपने माइनॉरिटी मान के सारे कानून सारी चीज उनके पक्ष में नहीं किया हुआ जी, उसे हटाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए जी। उसके बाद जैसा कि इतिहास में हुआ था जब वो कन्वर्ट हुए थे
जी कि हर आदमी पावरफुल की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ अटैच होना चाहता है। जी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा जी तो पावरफुल कम हो जाएंगे जी, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी भी ज्यादा है और अगर हम संगठित हैं जी तो वो हमारे साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। जी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है या कानून इस प्रकार का बन जाता है, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू पक्षपात करता हुआ, लेकिन निष्पक्ष भी अगर बन जाता है तो वो लोग हमारी तरफ झुकेंगे। कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? ओके चलिए एक असहमति आ गई। चलो असहमत कौन कौन है, कितने लोग हैं? एक दो तीन चार चार। चलिए आप सच्ची माइनॉरिटी में हैं, ठीक है। क्यों असहमत हैं आप बताएं जी। आप जी 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 मैं दूसरे तरीके से इसी बात को रखता हूँ कि दिल्ली में जितने भी शांति प्रिय इलाके हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो गया, चाहे वो जामिया है, जहांगीरपुरी है, सीलमपुर है, वहां पर आप जाते ही होंगे कभी, आपने जाते हुए देखा है कि किसी का हेलमेट ना पहनने पर चालान हुआ? और अगर गलती से उसने वो जाली टोपी पहनी हुई है तो पुलिस वाले भी जाने से डरते हैं। मतलब अंदर तो खैर गलियों में जा ही नहीं सकते, वो तो नो गो क्षेत्र है। जी तो मतलब बचपन में हम भी बहुत सोचते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन वो तो आपके लिए होगा, आपको कहा जाएगा कि भैया हाँ दो बच्चे से ज्यादा नहीं तो आप बिल्कुल ठीक है, दो से ज्यादा नहीं, उनको कौन गिनेगा कौन उनके घर जाके। तो लॉ होना एक चीज है और लॉ एनफोर्समेंट एंड एनेक्टमेंट वो एक अलग चीज है, जो हमारे देश में अभी समस्या, और देश छोड़िए दिल्ली के अंदर भी हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। एक ड्राइव चली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से कि जितने भी नहीं लेकिन बहुत सारे कुछ चिन्हित अवैध निर्माण हैं वो बुलडोज किए जाएंगे, गिराए जाएंगे। सब जगह चली, केवल एक जगह पर वो वहां पर बुलडोजिंग नहीं हो पाई। कौन सी जगह थी? शाहीन बाग। क्यों थी वहां, क्या विशेष था ऐसा? समुदाय विशेष था। तो इसलिए ये सही है आपका कहना, लेकिन ये एक हमारा सिर्फ अव्यय हो सकता है, एक कंपोनेंट हो सकता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बदलनी होंगी। और इसके अलावा दो चीजें हमारे पास हो गई, उन्हीं की भाषा में उत्तर देना और दूसरा कानून में बदलाव। और क्या जी? सर एक फॉर्मेट है इजराइल फॉर्मेट, जी फॉर्मेट है सऊदी फॉर्मेट। जी इजराइल फॉर्मेट पहले हम लोग जाते हैं तो उन लोगों का रूल है मॉस्क के बाहर से जो मॉब निकलेगी जी और नेशनल हब है उनके लॉ ऑर्डर को जी मॉस्क के साथ उन लोगों को डिमोलिश कर जी हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को देख रहे हैं इसी सवाली पड़ेगी कौन सा क्या है, वो मॉस्क में जाते हैं फ्राइडे और उसके बाद वो उनको गुरु ज्ञान खिलाया जाता है जी जी। आपकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पवित्र पुस्तक
में कोई परेशानी नहीं है, तो दो आयतें केवल पढ़ लीजिएगा, 530 और 532 काम हो जाएगा। तो इसलिए उन आप कह रहे हैं कि अगर वो हदीस फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो दो आयतें ही काफी हैं, 530 532। तो चलिए वो भी एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। और कुछ जी? बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, इससे मुझे याद आया जब मैं TCS में था तो वहां पर नोएडा ऑफिस में था, तो जो स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स में जो सबसे लास्ट वाली छत से नीचे वाली स्टेयर्स है, तो वहां पर नमाज हुआ करती थी, डेली हुआ करती थी, सब लोग देखते थे। उसके बाद आपको ध्यान होगा, मुझे ईयर एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, शायद 2017 था या 18 था, चेन्नई में एक प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश पकड़ी गई थी। तो मैं ऑफिस में बैठा न्यूज देख रहा था और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कहीं पर बात आई थी कि सॉफ्टवेयर कंपनी का है, आईटी का है, ऐसा नाम भी आया था उस व्यक्ति का, लेकिन नहीं पता चला। तो हमारा हर कंपनी का होता है, टाटा का भी ये सिस्टम है कि इंटरनली आप नाम से एम्प्लॉय सर्च कर सकते, तो मैंने नाम से एम्प्लॉय सर्च किया तो वो TCS का ही निकला। उसके बाद फिर कुछ और करते करते कुछ और ढूंढने के लिए फिर मैंने आधा घंटा बाद सर्च किया तो वो नाम गायब था वहां से। और मजे की बात ये है कि उस दिन, ये शायद सुबह की घटना थी 11 बजे के आसपास की, उस दिन 1 बजे के समय जो नमाज वहां हुआ करती थी वो नमाज नहीं हुई, और उससे पहले वो सालों साल से चल रही थी, कोई उसको रोक नहीं पाया था। आप देखिए कि नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। मैं तो न्यूज देखता ही रहता था, ऑफिस में काम करता नहीं था, तब मुझे वो घटना पता चली थी। लेकिन वहां घटना पता चल के मैसेजिंग भी पहुंच गई कि आज आपको या आज से आपको वो नमाज वहां नहीं पढ़नी है। कुछ महीने वो नहीं पढ़ी गई, जब मामला दब गया और सेंटीमेंट शांत हो गए तो वो फिर से वहां पर शुरू हो गई। आपकी बात थी मदरसे की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप जो मुख्य आतंकियों के अगर हम नाम ले लें, मीरवाइज उमर फारूक ले लें, या फिर अफजल गुरु ले लें, या फिर अभी जो गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला किया गया था, IIT का केमिकल इंजीनियर था वो, मुझे लगता है वो लोग मदरसे गए नहीं है कोई। तो और आपकी ये बात तो बहुत शानदार है कि वायरस है, उसको आप केवल कंटेन कर सकते हैं, वेरिएंट आते रहेंगे, उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपके पास सिर्फ यही चारा है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, और अगर भारतीय पद्धति से, आयुर्वेद से इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे तो फिर आपका कोई वायरस कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम उस वायरस के म्यूटेशंस को ढूंढ ढूंढ कर उनको खत्म करने की कोशिश करते रहें तो शायद मुझे लगता है सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तीन चीजें हमारे सामने अभी तक आई हैं। पहली है उनकी भाषा में उत्तर देना, दूसरी है कानून व्यवस्था, और तीसरी है, अगर उसको इस तरीके से कहा जाए, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था जो इसके लिए उत्तरदायी है। और एक बात ये भी आई थी कि पवित्र पुस्तक। ठीक है, और कोई चीज? जी, किसी लाइन को छोटा करने के लिए उसके सामने एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। जी, हम सभी मानते हैं कि उनकी यूनिटी है। जी, हम हिंदुओं में कितनी यूनिटी है, हम लोग मंदिर कितने दिन जाते हैं, हमारा जाने का एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वो
किसी भी समझ आता है। जैसा अपने वैभव जी भी ये दिव्यांश जी भी बोलते हैं कि हमारे जो पंडित हैं उनकी कोई यूनिटी नहीं जी, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो वो हम लोगों को कुछ ऐसा चीज सिखा सके। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना होगा, उस लाइन के सामने एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, लॉ भी इम्प्लीमेंट कर, लॉ भी बनाना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा फोर्सफुली। अभी पिछले 6-7 महीने में अगर हम देखें या पिछले जो एनवायरमेंट हुआ है, हिंदू समाज बहुत जागृत हुआ है, उन्होंने अपोज करना चालू किया। बीच में अपोज किया था, जैसे इन्होंने बताया कि मस्जिद के बाहर नमाज अदा की जाती है, लोगों ने अपोज किया, वो चीजें बंद हुई है। उसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा, क्या हम उस चीज के लिए तैयार है। दूसरा, बाय फोर्स बाय लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो चाइना जैसा काम होगा। चाइना से कभी कोई न्यूज नहीं आती है कि वहाँ किसी मुसलमान को उसने कोई चूक किया या वहाँ की गंदा हुआ या फसाद हुआ, उनको यहाँ तक की दाढ़ी रखने तक की भी परमिशन नहीं है, टोपी पहनने तक की भी परमिशन नहीं है। तो वैसा कुछ इंडिया में हम ये नहीं कहते कि हमें उनको मार करके वो करना पड़ेगा, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमको अपनी यूनिटी करनी पड़ेगी। और मेन चीज क्या है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनसे कोई भी चीज खरीदना बंद कर दें। जब वो ऐसा कर सकते हैं, हम अपने कोशिश करें 2-3 रुपए या 10 रुपए महंगा ले, लेकिन अपने से भी, अपने परिचित से भी हम उनको बायकॉट करना चालू कर दें। आज नहीं, 10-15-20 साल के बाद ऐसा आएगा कि उनके पास कुछ नहीं होगा। हम उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं अभी से, और वो सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कभी दंगा फसाद होता है किसी एक लिमिटेड एरिया में जहाँ पर हिंदू कम है, जहाँ पर इनकी मेजोरिटी है, ये क्या करते हैं, हिंदुओं को बायकॉट करते हैं। नूह में ऐसा होता है, पलवल के आसपास बहुत सारे एरिया है, निवात में ऐसा होता है, हिंदुओं को बायकॉट कर दिया जाता है। वही कश्मीर में हुआ था, वही सब जगह जहाँ पर भी इनकी मेजोरिटी होती है हिंदुओं को बायकॉट करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी गली में प्याज बेचने वाला है, अरे 35 रुपए दे रहा है, 30 रुपए दे रहा है, यार इससे ले लो। हम देखते नहीं कि वो हिंदू है या मुसलमान, ये हमको सोचना पड़ेगा। मैंने तो बहुत समय से ये किया हुआ है, 2-10 रुपए महंगा मिलेगा लेकिन अपने से लेना, उनसे कोई काम नहीं करा, घर के सारे काम वो करते हैं जी। आपका पंचर रिपेयरिंग से लेकर के आपकी बिल्डिंग बनाने तक के सारे काम उनके कंट्रोल में है, हम अवॉइड करें उनको बायकॉट कर, यही हमारे हाथ में है जी। मैं इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, आर्थिक बहिष्कार तो एक है ही, लेकिन उसके अलावा चाइना मॉडल, उसकी बात हम नहीं कर रहे थे। चाइना मॉडल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन बहुत ज्यादा दमनकारी कोई राज्य है, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल मॉडल क्यों है, क्योंकि इसराइल मॉडल की बात होती है, लेकिन ये भी सच है कि इसराइल में आज भी हमले होते हैं, और इसराइल एक के बदले 10 की नीति रखता है, लेकिन एक तो उनका जाता है ना, चाइना का कभी कोई जाता हुआ सुना है नहीं ना? उसका कारण क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करता है, उसका क्या कारण है, चाइना मॉडल में ऐसा क्या है। मीडिया, ठीक है, ठीक है, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वो इस काम क्या हो पोजीशन पे हो, दूसरी पार्टी में हो, वो इस काम को सपोर्ट करेंगे, शिंजियांग जो भी कुछ हो रहा है उसको हर पार्टी सपोर्ट करेगी, चाहे ऑपोजिशन में है या दूसरी पार्टी में। क्यों करेंगे, जानते हैं नहीं कंट्रोल करना चाहिए, नहीं वो तो जानते हैं, मोनार्की एक चीज है, ठीक है, उसकी तरफ जाते हुए हमें थोड़ा खतरा है हमारे देश को। और जो यहाँ पर बात की हिंदू आध्यात्मिक सत्ता के केंद्रीकरण की या स्टैंडर्डाइजेशन की, उसमें भी एक खतरा है हमें, उसके विषय में भी हम बात कर लेंगे, लेकिन और कोई कारण दिखता है क्या, देशभक्ति की भावना है, एक मत है, और वो क्लियर है कि उनके हित में क्या है। सर वहां पे उइगर जो मुसलमान जिनकी जनसंख्या मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा जनसंख्या को एक पॉलिटिकल तरीके से किसी को डोमिनेट कर सके या कुछ भी पॉलिटिकली रोल प्ले कर सके जी। तो वहां पे वो किसी के लिए पॉलिटिकली कार्ड प्लेइंग नहीं है, पॉपुलेशन मीटिंग नहीं है जी। लेकिन वो मॉडल मुझे नहीं लगता इंडिया में लग पाया, क्योंकि इंडिया में तो इनके पैरों में ऐसे पड़ जाते हैं कि इन्हीं की वोट समझ देंगे जी। तो सर वो मॉडल बिल्कुल अलग हो गया वहां का, इतनी पॉपुलेशन है और जो थोड़ी बहुत रुकी हुई पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल में कर रखी जी। और चाइना ऐसा है कि उसे आप सारे मतलब ग्लोबली सबको जरूरत है चाइना की आज के लिए जी। तो कोई भी देश उनके खिलाफ करने से पहले दो बार सोचता है कि अगर इन्होंने मुझे मेरा ही बॉयकॉट कर दिया तो मैं कहां से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ,
तो सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पे चाइना की सबको जरूरत है। जी मैं कुछ एक उदाहरण देता हूँ। आपने जो बात की कि जनसंख्या अनुपात की और उसका वोट पर उसके असर की और राजनीति पर उसके असर की, आप लोगों ने ऐसा कभी सुना होगा और एक नहीं ऐसे मल्टीपल उदाहरण है, वो मैं आपको बताऊंगा। किसी नेता को ऐसा कहते हुए सुना है कि वो शांति प्रिय बस्ती में जाते हैं और वहां पर कहते हैं मुझे तुम्हारे वोट नहीं चाहिए, सुना है किसी? हिमंता विश्व शर्मा योगी जी का एक उदाहरण है। उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे स्थानीय सांसद विधायक हैं जिन्होंने ये चीज कही है और ये कहने के बाद वो जीते हैं। देखिए स्थिति विकराल है लेकिन उतनी आज के समय में उतनी नहीं है, पहले अनऑफिशियली भी मान लीजिए वो 30% मान लीजिए, लेकिन उसके बाद भी 70% आप हैं। और ऐसा कभी भी कहीं नहीं होता है कि 100% एक समुदाय के वोट एक तरफ पड़ जाएं, उनके पड़ते हैं लगभग 80-90% पड़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सेंध मारने का आपके पास रहता है। और उसका बेस्ट उदाहरण है देवबंद का चुनाव जिसे हिंदू ने जीता, पार्टी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं लेकिन हिंदू ने जीता। तो इसलिए आपका समाज किस प्रकार से उसको उसके विरुद्ध लामबंद होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपके प्रति प्रतिक्रिया क्या होगी। आपने जो उदाहरण दिया कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है चीन की इस समय दुनिया भर पर, तो इसलिए कोई विरोध नहीं कर पाता। वो जो 57 देश हैं उसमें से 2-4 को अगर छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसों को, तो बहुत ज्यादा चीन पर डिपेंडेंस उनकी उस प्रकार से नहीं है। उसी अगर कंपैरिजन में हम देखें कि फ्रांस जैसा कोई देश हो गया या डेनमार्क ने जिस तरीके से अभी कुछ स्टेप्स लिए थे उनके विरुद्ध जिस प्रकार आवाज उठी, वो चीन के विरुद्ध क्या केवल इसलिए नहीं उठी कि आर्थिक रूप से उनके ऊपर निर्भरता है या कोई और कारण भी था? सीधी बात है वो करते हैं गुंडागर्दी। उन्होंने साफ, उनका ये अनरिटन रूल है उनका कि अगर किसी और देश ने हमारे देश की नीति में टांग अड़ाने की कोशिश की तो यहां जो आपके लोग हैं चीन के अंदर जो आपके लोग हैं उनको कीमत चुकानी होगी। वो इसलिए नहीं करते हैं कि इज्जत है चीन की या फिर उनके साथ संबंध है, व्यापारिक संबंध है, इसलिए हम शराफत दिखाएं। उनको पता है कि अगर हमने बोला तो और पेले जाएंगे और हमारे जो लोग वहां पर हैं वो पहले जाएंगे, तो वो भय वाली प्रीति है, वो और किसी प्रकार की प्रीति नहीं है। उन्होंने उनका एक साफ अनरिटन रूल है कि अगर किसी और देश ने, आप देखिए ना कि आसपास उनके कितने ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन है, अफगानिस्तान वही है, टर्की से उनको एक तरह से मदद मिल सकती है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से सिर्फ जिंगजियांग में नहीं लेकिन चीन के और जगह पर भी इस तरह से अशांति पैदा की जा सकती है जैसी यूएसएसआर में की गई। यूएसएसआर भी उस समय कोई बहुत छोटी शक्ति नहीं था लेकिन उन्होंने धीरे 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 करके खा लिया उसको पूरा। तो वैसा ही वो चीन में करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि मतलब अगर भारत के परिदृश्य में उसका एक एनालॉजी देखी जाए कि अगर आपने पुलवामा में एक गोली चलाई तो यहां पर दिल्ली के अंदर सदर बाजार में आपके 4 गुर्गे पकड़े जाएंगे और पकड़ के वो कहां जाएंगे वो पता नहीं। चाइना ये करता है, इसलिए कोई उनकी बॉर्डर पर कोई अशांति नहीं होती, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता, कोई बाहरी देश नाक नहीं अड़ाते हैं कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये हम कर सकते हैं, पहली बात तो हम करना नहीं चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण लेता हूं हमेशा, मुझे नहीं पता वो किसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, जब बाबरी ढांचे का विध्वंस किया गया उसके बाद कल्याण सिंह जी की सरकार गिर गई, हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया। एक ऐतिहासिक, मतलब ये आपका एक्चुअल में ऐतिहासिक शब्द को हम बहुत प्रयोग कर लेते हैं
लेकिन ये सचमुच में एक ऐतिहासिक एक युगकालीन घटना हुई थी। और उसमें आपने नेताओं को क्या संदेश दिया? हम हमेशा नेताओं को दोष देते हैं, पार्टियों को दोष देते हैं, और हम भाजपा को भी बहुत गाली देते हैं, लेकिन हमने क्या संदेश दिया कि हमारे लिए जातिवाद महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अपना रिप्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जो भी कारण थे, उस समय आरक्षण की भी बात चल रही थी और बहुत सारे अलग अलग मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे लिए हिंदू आइडेंटिटी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं करेगा कोई भी पॉलिटिशियन फिर ऐसा? मैं उनको, अटल जी की सरकार की बहुत आलोचनाएं होती हैं, मैं उनको दोष नहीं देता हूं। उनको अगर जनता ने ये कॉन्फिडेंस दिया होता कि वो जो उस समय 20% के आसपास अगर होंगे कि वो जो 20% है वो आपको वोट ना भी करें तो आप पक्का जीतेंगे, फुल मेजॉरिटी में आएंगे, तो क्यों नहीं करते वो? क्यों उन्हें लाहौर की बस चलानी पड़ती? मेरे हिसाब से आज के डेट में समय बदल गया और आप जब बात कर रहे हैं जी, अभी आते हैं जी, एक बार उनसे फिर आता हूं जी। जी, आपने बाबरी का टाइम बताया, उस समय जो भी हुआ, उस समय की जो माइंडसेट थी ना, मैं भी मानता हूं कि लोगों की बहुत डिफरेंट थी जी। आज की माइंडसेट बहुत डिफरेंट है जी। आप समझे कि अगर हम कभी उस समय 20% पे थे तो आज हम 70% 80% पे जा रहे जी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए देवबंद भी हुआ और इसीलिए आज भाजपा दोबारा से सत्ता में है और हो सकता है तीसरी बार फिर से सत्ता में आएगी, क्योंकि ये जागरूकता ही है जो आज दोबारा से उनको लेके आने की क्षमता रखती है। तो कहीं ना कहीं वो चेंज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहां तक मैं इसका सोल्यूशन मानता हूँ, सबसे पहले इसको फेज वाइज चलना पड़ेगा। पहले हमें अपना जो संगठन है, अपनी संगठन शक्ति, वो सबको दिखानी पड़ेगी कि भाई ठीक है, हम लोग अगर चुप हैं तो इसलिए चुप हैं क्योंकि हम शांति प्रिय हैं, लेकिन हम इतने भी शांति प्रिय नहीं कि कोई हमारे पे एक वार करे और उस पर मतलब उसका जवाब न दे पाए। हम उसका कड़ा से कड़ा जवाब दे सकते हैं और इतना ज्यादा जवाब देंगे कि आपको शायद गिनना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके जवाब की कीमत कितनी है, पहली बात। दूसरी बात यह कि फेज वाइज जितने भी लोगों ने पॉइंट्स बताए, सारे वैलिड पॉइंट्स, सभी वैलिड पॉइंट्स को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू करें ताकि जो एक माहौल है वो धीरे धीरे शांति की तरफ चला जाए। सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो शांति होती है, लेकिन शांति से पहले आपको एक वो मजबूती लानी पड़ती है, आपको वो स्ट्रांगनेस दिखानी पड़ती है, तब सामने वाला शांति रखता है, नहीं तो शांति नहीं रखता। तो मेरा ये मानना है कि सारी चीजें से पहले अपने आप को संगठित दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप संगठित दिखोगे तो बहुत सी बातें ऐसी जो कि आपको लगता है कि शायद वो उठ भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, तो मेरा जी नेम चेंज
लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ये अपने आप को अथीस्ट कह रहे हैं, नाम उनके कोई हिंदू वाले हैं। अब जब वो बोलते हैं हमको लगता है हिंदू बोल रहा है, पर वो वॉइस हिंदू भी नहीं है, और उसको मीडिया जो है एम्पलीफाई करती है, मीडिया एम्पलीफाई भी करती है क्योंकि वो डीप स्टेट कहीं बाहर का एक प्रोपेगेंडा है, ओवर एंड ओवर करके ज्ञान को उसको बढ़ा रहे हैं। आपके प्रश्न में आपका उत्तर है, हम अगर ये कोशिश करें कि हम उसको बचाने की कोशिश करें मिलिट्रली, हम नहीं बचा सकते। हमें चीन वाला संदेश देना होगा कि आप उसको टेकआउट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत जो आपको चुकानी पड़ेगी उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो आर्थिक बहिष्कार की हम बात कर रहे हैं जी, आर्थिक बहिष्कार के अलावा क्या हमारे पास पैरेलल ऑप्शंस हैं जी, हमें उसपे स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही आप आर्थिक बहिष्कार की बात करते हो ना, आप कोशिश भी करते हो कहीं ना कहीं आप डगमगा जाते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना काम करना है। और हमें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, हो सकता है मेरे फैक्ट गलत हो, लेकिन जो मैंने सुना है 1947 से पहले तीन इस्लामिक कंट्री थी जो आज 57 हो गए, जिसमें से एक रिसेंटली बनी है। मोर देन 25% कंट्रीज इस्लामिक है और अराउंड 17 कंट्रीज आर अबाउट टू बी इस्लामिक, लाइक ब्रिटेन ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन चुकी है और 16 जो कंट्री आपकी यूरोपियन है। और हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए 7-8 कंट्रीज जो इस्लामिक बने वो हिंदुस्तान से ही बने, ठीक है। अभी बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ गए हैं जिनके मुझे उत्तर देने, फिर मैं भूल जाऊंगा, तो ये ले लेते हैं, फिर बाकी और इनपुट्स आपके लेंगे। आपने जो कहा कि अब सिनेरियो बदल गया 80-90 के दशक से, पालघर तो अभी हुआ है, कमलेश तिवारी भी अभी हुआ, नहीं ठीक है 70% हो गया, अगर 70% जागरूक जनता है और देश में पालघर हो जाता है और कोई कुछ नहीं करता है, तो मुझे उस आंकड़े को दोबारा सोचने की आवश्यकता है कि 70% जागरूक है क्या और जागरूक का अर्थ क्या है। दोनों चीजों को सोचने की आवश्यकता है। जागरूक का अर्थ कि मैं सुबह उठा और मैंने व्हाट्सएप पर मुझे ऐसा कोई संदेश मिला, कोई ऐसा वीडियो मिला, मैंने वो चार जगह को शेयर कर दिया, या फिर बाबा ने बोला कि भैया वीडियो को शेयर जरूर करना, तो सब जगह शेयर कर दिया और मेरा कार्य हो गया, क्या इसको जागरूकता कहते हैं? या फिर मुझे कुछ चीजें समझ आने लगी हैं, पहले नहीं पता था कि आर्टिकल 370 क्या था, फिर समझ आ गया, पहले नहीं पता था कि आर्टिकल 24 क्या था, आर्टिकल 30 में क्या परेशानी थी, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्या दुष्प्रभाव था, लेकिन आज वो चीज समझ आ गया, हमारी हिस्ट्री में कितने फ्लॉस थे ये समझ आ गया। क्या ज्ञान को हम जागरूकता कह सकते हैं? एक हद तक जागरूकता कह सकते हैं, अगर ज्ञान रहेगा तो जागरूकता सबसे पहला पड़ाव है जी। तो मेरा मानना है कि ज्ञान तो होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेस कर देता हूँ, क्या नॉलेज को हमें जागरूकता कहना चाहिए? मतलब ज्ञान थोड़ा और सार्वभौमिक शब्द है। जैसे शुरुआत में बात होती थी, जैसे मतलब इसको जिस भाषा में समझ आता है ना, भाषा में जवाब देना जी। तो मुझे जो लगता है अवेयरनेस तो पहले ही बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे समाज जी, बट उसके साथ साथ अपरिचित दुख की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जितने भी ईमानदार हैं, जितने भी एक हमें नियम बनाना चाहिए कि
मैं वापस आता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कहाँ था मैं। हाँ, दो उदाहरण दूंगा नॉलेज और जागरूकता के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए। एक उदाहरण है कि फिल्मों में हमारे बहुत कुछ जैसे ऐसी चीजें आती थी, लव मैरिज वाले बहुत सारे प्लॉट हुआ करते हैं, गरीब लड़का अमीर लड़की, गरीब लड़की अमीर लड़का, और फिल्मों में दिखाते हैं, मिलते हैं, सब खुश होते हैं, सब तालियां बजाते हैं। किसी के मन में उस समय ये भाव भी नहीं आता, और किसी का ये भाव ऐसा प्रकट भी नहीं होता कि नहीं भाई ये गलत था, उसको अपने समाज से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए थी, अपनी जाति से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर अपने बराबरी के व्यक्ति से शादी करनी चाहिए थी। ये ऐसा, इससे सब सहमत हैं, कोई असहमत है, इससे कोई असहमत है क्या? जी, हम अपने मन में जब जातिवाद तो मैंने एक दिया हमारे, हाँ मैं अगर अमीर गरीब की अगर मैं बात करूँ, आंतरिक विरोध करते हैं, दूसरे को बताते नहीं। और कोई भी है जो ऐसा सोचता है कि अमीर गरीब वाली जैसे शादी की बात होती है कि नहीं ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसा और कोई सोचता है? नहीं। हम में से कितना ऐसा अपने परिवार में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए हैं? नहीं है, नहीं हो पाता है जनरली। तो दूसरा उदाहरण जो बहुत हमने सुना है बचपन से कि भगत सिंह हो लेकिन मेरे घर में ना हो, ठीक है। तो हमारे पास ये ज्ञान है कि ये होना चाहिए, ये चीज गलत है, ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, लेकिन जागरूकता उस चीज को कहते हैं, पहला कि मुझे ये ज्ञान हो कि इससे मुझे कैसे लड़ना है, और दूसरा उसके प्रति मैं एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहा हूं, और तीसरा कि मैं समाज को उस एफर्ट में शामिल कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के आने से, क्यों, और मैं तो सोशल मीडिया की ही खाता हूं और उसी के कारण जो भी मेरा अस्तित्व है वो है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति हुई है, बहुत लाभ हुआ है, लेकिन उस लाभ की एक सीमा है। उस लाभ को ही अंतिम लक्ष्य मानकर अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हैं। उसको हम आगे क्रियान्वयन में कैसे लाते हैं वो महत्वपूर्ण है, उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाते हैं वो महत्वपूर्ण। आज के समय में मेरा वीडियो लगभग 1 से 1.5 लाख लोग दैनिक रूप से देखते हैं, लगभग कोई ज्यादा पसंद आता है तो 20,000 तक भी लोग शेयर कर देते हैं, 20,000 शेयर्स, और कुछ 5,000 शेयर्स तो होते ही हैं डेली। 5,000 शेयर है तो मैं मानता हूं कि एक आदमी का अगर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस 20 लोगों का भी है तो 1 लाख और लोगों तक कम से कम वो पहुंच जाता है। उसमें से क्लिक करके कोई देखता नहीं देखता वो अलग चीज है, लेकिन वो एक भाव पहुंच जाता है, इतना वो है। लेकिन अगर मैं उस 20,000 शेयर को या 5,000 शेयर को मैं 1 लाख लोगों तक मानूं, तो उसमें से कितने लोगों पर मैं एक, जिसे बोलते हैं बिहेवियरल चेंज, केवल ये नहीं कि वो मेरी बात से सहमत होता है, बिहेवियरल चेंज मैं कितने लोगों में ला पाता हूं, वो जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम वो नंबर से खुश होते रहेंगे। हाँ यार 5,000 लोगों ने शेयर कर दिया, मतलब 1,000, 1 लाख नए लोगों तक मेरी बात पहुंची, लेकिन उससे क्या अंतर क्या आता है? अभी यही अगर हम उनके इकोसिस्टम कहिए या कुछ भी कहिए, और मीडिया भूल जाइए क्योंकि वो लोग मीडिया के भरोसे बैठकर काम नहीं करते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि कितने जिहादी यूट्यूबर्स को आप जानते हैं जो इस चीज को फैला रहे हैं, मतलब वो नहीं हिंदू नाम वाले जिहादी, नहीं एक्चुअल जिहादी जो यूट्यूबर्स हैं, किसी को जानते हैं कि किसी का नाम हमें पता है क्या? नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया आज सबसे सशक्त माध्यमों में से एक है, लेकिन हम नहीं जानते हैं। उनकी तरफ से हम जानते किसको हैं, वो टिकटॉकर जो हैं फैजू और ये, और जो बात ही नहीं करते हैं इस विषय में, ठीक है। तो वो
सोशल मीडिया पर निर्धारित नहीं है, वो अपने अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा है कि अगर 20 लोग भी उसके मदरसे में आकर पढ़ेंगे या 200 लोग भी उसकी मस्जिद में जुम्मे के दिन आएंगे तो वो फिर ब्रेन वॉश हो चुके। और सिर्फ ब्रेन वॉश नहीं हो चुके, उनका जो कार्य करने का सिस्टम है, उनका जो आजीविका का सिस्टम है, उनका जो जो बताया ना 10 रुपए की पर्ची वाली बात, जो उनका जो जकात का सिस्टम है वो उसमें शामिल हो गए, उनका पैसा उधर आने लगा। तो बात करने से आगे अब हमें बढ़ना होगा, क्योंकि बहुत जागरूकता या बहुत जानकारी गई है, वो जागरूकता और जुड़ाव अभी तक नहीं हो पाया है। इसीलिए यही कारण है कि पालघर हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। हम लोग सड़कों पर भी नहीं निकलते, कोविड तो उनके समय पर भी था, नहीं निकले थे क्या? कमलेश तिवारी हुआ था तो कहां सबसे बड़ा आंदोलन कहां हुआ था उनका? पश्चिम बंगाल के मालदा में। हमारे यहां तो लखनऊ में तक नहीं हुआ जहां कमलेश तिवारी थे, उनके मोहल्ले तक भी कोई रैली नहीं निकली। तो हमें अभी इतने पर संतुष्ट नहीं हो जाना है कि हमें जागरूकता आ गई है या हमें जानकारी मिल गई है। अभी हमें ये देखना है कि हम इस लड़ाई में अपनी भागीदारी कैसे रख सकते हैं। जी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर अभी जितने प्रेसिडेंट हैं क्या वो समाज के लिए अभी कोई जिम्मेदारी देते हैं? समय दे पाते नहीं, दे पाते जी नहीं दे पाता, तो हम लोग अगर आपसे कुछ बात करना चाहते तो एटलीस्ट कुछ कमी करने समाज के लिए समय देंगे, कुछ जिम्मेदारी लेकर काम करेंगे। बताएं, हम अपनी जीविका चलाने में ही लगे हुए हैं और हमारे पास विचार बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता वो कितने काम आएंगे नहीं। ऐसी भूमिका में फंसाया है कि आप नहीं जा सकते। बताइए कितने लोग देते हैं समय दैनिक रूप से, साप्ताहिक चलिए, दैनिक छोड़िए, साप्ताहिक देते हैं, अभी तक देते हैं, बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी अभी आगे का क्वेश्चन और ट्रिकी होगा, बताइए क्या करते हैं समाज के लिए। जी एक चर्चा होती है ना, कितने लोग शामिल होते हैं चर्चा में? 10-12, 10-12, 30-35, 40 सब बैठ के चर्चा करते हैं एक साथ। ठीक है जी, लगभग एक चर्चा में कितने लोग होते हैं एवरेज? 20-25 लोग होते हैं। उसमें से उन 35 के कैंप में से कितने लोगों को आप अपने और कन्वर्ट कर पाए हैं अभी तक? कन्वर्ट किसी को नहीं करता, अब उनको बताना होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या आपने नहीं करना। आपको लगता है उन्हें नहीं पता? मुझे सब नहीं पता, मेरा काम है उनको एक शिक्षा दिखाना है जी, देखो तुम कर क्या रहे हो, उससे क्या, उससे क्या लाभ होगा? अपने आप को लगता है कुछ तो किया, कुछ ना करना कुछ करना बैठा। ये सब ये भी सही कर रहे हैं, ये करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर कोई नया बंदा आ रहा है ना जी, जो सर्च में है कि क्या सही गलत है, ऐसे बंदों को सही डायरेक्शन मैं वही लाना चाह, मैं इनको वही लाना चाह रहा था। आपको ये ध्यान रखना है जो उस मानसिकता के हैं वो नहीं बदलेंगे, आपको सिर्फ बॉर्डर लाइन के लोगों को वो आप बचाना है और वही आपका टारगेट होने चाहिए। अभी समाज में जी बताएंगे, समाज में तीन तरह के लोग हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए एक बोलो जो विरोधी है, एक बोलो जो साथ में, एक बोलो जो न्यूट्रल है। तो अभी हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है ना उन लोगों के बीच में जाने की है, चलिए अभी चर्चा तो घंटों तक चल सकती है लेकिन समय है तो मैं इसको कंक्लूजन की ओर लेकर जाता हूँ। और नहीं, क्योंकि मेरा भी एक कार्यक्रम है तो उसमें जाना होगा। इसमें मैं पहले जो लोग मुझसे
काफी पुराने से जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव था जब मैं जॉब वॉब किया करता था, तो फेसबुक पर मेरे 5000 फ्रेंड्स थे, 5000 की लिमिट होती है, तो 5000 थे। और वहीं पर मैं अधिकतर अपनी ऊर्जा वहीं पर लगाया करता था। और ऐसा होता था कि जब मैं कोई हस्बैंड वाइफ वाला जोक डालता था तो लगभग ऐसा होता था 600-700 के आसपास लाइक्स आ जाते थे। जब मैं कोई गंभीर विषय पर लंबा लेख लिखता था या कोई छोटी सी अगर बात लिखता था तो 100 लाइक्स आ जाते थे। जब मैं कोई लंबा लेख लिखता था या मैंने कहीं ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा है उसको मैंने वहां पर शेयर किया तो 10 या 20 लाइक्स आते थे। ठीक, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उस समय पर मुझे ये सेलिब्रिटीहुड लगता था कि अभी 600 लोग लाइक कर रहे हैं मेरी बात को। लेकिन फिर कभी ना कभी मेरे मन में ये विचार आया कि मेरा जो ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये 5000 लोग हैं जिसमें से 20 उस गंभीर बात को लाइक करते हैं या चलो 100 भी कर लेते हैं, उनके जीवन में और उनके उनके थ्रू समाज में मैं क्या बदलाव ला पा रहा हूं। मैंने अपना फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि मैं अभी भी ये ठीक है, वो 5000 से 10 लाख तक वो संख्या पहुंच गई यूट्यूब पे। मैं रोज लोगों को कुछ बोलता हूँ, हजारों की संख्या में लोग शेयर करते, उसके बाद नीचे लिखते कि हम तैयार हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन फिर मेरे मन में यही प्रश्न आया कि मैं ग्राउंड पर क्या चेंज ला पा रहा हूँ। तो हमें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हुए, हमेशा हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई वामपंथियों का जो इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, आधा काम तो वो फिल्मों के थ्रू कर देते हैं, आधा लव जिहाद तो वो फिल्मों के थ्रू फैला देते हैं। हम एक एक घर में जाकर एक एक बच्ची को समझा रहे होते हैं जो फंसी हुई होती है, निकालते हैं, वो एक साथ लाखों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन हम भी वहीं तक ना रुक जाएं। फिल्में जीवन में एक असर डालती हैं, ये यूट्यूब या इंस्टाग्राम जीवन पर एक असर डालता है, लेकिन हम अपने मोहल्ले पर जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रख सकते हैं, जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, वो और कोई फिल्मकार नहीं ला सकता। परिवार के बारे में मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं फिल्मों ने बिगाड़ दिया बच्चों को। फिल्म तो वो एक 2.5 घंटे की, अब तो 1.5 घंटे की फिल्म बनती है, 1.5 घंटे की देखता है, बाकी 23 घंटे तो आपके साथ रहता है। कहीं ना कहीं आप में कमी है ना कि उसको इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे जो वो 1.5 घंटे की फिल्म कर दे रही है। तो इसलिए अब हमें, जैसा भाई साहब ने बोला और जैसा निकल कर आया, कि अब हमें इससे आगे सोचना होगा कि जागरूकता फैलाने के आगे हम उस चीज़ को कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों के जीवन चक्र को प्रभावित कर सकते हैं, और उससे फिर एक ऐसा मानस तैयार कर सकते हैं कि हम अपने समाज को इस तरह से सशक्त बना लें। बहुत अच्छा उदाहरण है, गांव में देखा आपने कभी ऐसी कोई लिंचिंग की घटना हो जाए, या कभी किसी को, और छोड़ो मोहल्ले में कोई आए गांव में और छेड़ के चला जाए शांति दूत, सुनिए कभी? पता है कि शायद वापस ही नहीं जाएगा, और वापस जाएगा तो ऐसी हालत में जाएगा कि खुद के पैरों पर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि समाज अभी तक जुड़ा हुआ है गाँव में। वो वहां ऐसा नहीं है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, वहां पर जाति भेद नहीं है, अगर उसको हम उस प्रकार से कहें। लेकिन चलिए, आपके प्रश्न का भी उत्तर मैं एक ये दे देता हूं, और थोड़ी सी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात होगी। हमने जाति, एक तो जाति कहें या वर्ण कहें वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं शब्दों के फेर में नहीं पढ़ना चाहता हूं। हमने इसको, वर्ण व्यवस्था को, इतना नेगेटिव क्यों बना लिया है? हम क्या, हम वामपंथियों के एजेंडे में बहकर उन्हीं की भाषा नहीं बोलने लगे? क्या हम सचमुच मानते हैं कि हमारा समाज, पुरातन समाज ऐसा था कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अस्पृश्यता थी और आपस में मेल नहीं था? सौ उदाहरण दे दूंगा जिससे बिल्कुल ये होगा कि जो व्यवस्था हमें बताई गई है कि जाति व्यवस्था ये थी, बुरी थी, अगर वो होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता। राम और केवट एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, वहां तो ये था कि उनको तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, वो तो बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लोअर क्लास में आते थे केवट।
एक ही गुरुकुल में कैसे पढ़ लिया अगर शिक्षा का अधिकार नहीं था? यही तो फर्क समझने की बात है कि अगर वहां डिफरेंस नहीं था तो आज डिफरेंस आज डिफरेंस इसलिए है कि जब आप बीमार होते हैं, जब आपको कोविड होता है और कोविड से आप निकल कर आते हैं, तो पोस्ट कोविड में छोटा सा जुकाम भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। हम हजार वर्षों से लड़ रहे हैं, रुके नहीं हैं, हम घायल हैं। तो जब घायल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो वायरस अटैक करते हैं। वो हाँ, मैं इस बात को पूरा कर दूं ताकि सब लोग समझ जाएं। हमें एक तो इस अपराध बोध से बाहर आना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कुव्यवस्थाएं कुरीतियां थी। सब जगह होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ उतनी ही थी जितनी एक स्वस्थ शरीर में वायरस होते हैं। ठीक है, ये सब प्रपंच है कि हमारे यहाँ जातिवाद था, हमारे यहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं थे, हमारे यहाँ पर अंधविश्वास था, नहीं था। वो आपको समझाएंगे, उदाहरण देंगे, लेकिन वो पिछले 1000 साल के उदाहरण देंगे, उससे पहले की भी उदाहरण देंगे, तो वो उस प्रकार से लपेट के देंगे। जी, ये जो जातिवाद वाली बात कर रहे हैं, आज हमारा संविधान से चल रहा है, ठीक है, क्या एक ए ग्रेड ऑफिसर की क्लास में प्योर जाके पानी पी सकता है? क्या उसके चेयर में जाके बैठ सकते हैं? ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये क्लास है, ये कास्ट नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा था, ये तो हमारे अमीर समाज में ये इनका काम कर रहा, तो वो क्या कहेगा? ये कहेगा हिंदुओं से आप ऑफिसर नहीं आ सकते उसको, नहीं हो एक बात, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे धर्म की। चलिए चलिए, ठीक है, ओके ओके। एक और उदाहरण देता हूँ जिससे और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जो ये वाले घट रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो भी है, ठीक है। वाल्मीकि समाज हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, बस्तियां हैं और किस सामाजिक स्तर पर हैं वो हम जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कैसे कर दी अगर उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उस समाज को अगर पढ़ने का अधिकार नहीं था तो कैसे हम क्यों पूछते हैं उनको? हम ब्राह्मण लोग भी क्यों पूछते हैं उनको? गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण थे, लेकिन उनसे ज्यादा हम आज भी महर्षि वाल्मीकि को पूछते हैं। दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। और जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा, अगर मैं इसे कहूं ये अंधविश्वास नहीं होगा कि हमारा समाज, हमारा धर्म सर्वोत्तम है, सार्वभौमिक है, साइंटिफिक है, तब तक हम इस प्रपंच से लड़ नहीं सकते। क्योंकि ये 1947 से 70 साल का प्रपंच नहीं है, ये 1000 साल का प्रपंच है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ, माफी की बात है, ये तो आगे घर से बाहर चलेगा, घर के अंदर जी मैंने सबको पता है कि मैं फेस कर रहा हूँ जी। मैं ये बात अपनी बेटी को नहीं समझा पाता जी, वो कॉलेज में पढ़ती है, और जब भी मैं उससे बात करता हूँ चले जाते आप ऐसे जी। और मतलब ये है कि मैं अगर समझाना चाहता हूँ तो वो डिस्टर्ब करता है जी, तो एक लेवल के बाद मैंने छोड़ दिया जी, कि ये अगर इसको डिस्टर्बेंस कर रहा है तो मैं कहूंगा तो जा रहा, और मैं ये देख रहा हूँ कि वो उधर जा रही है, मैं उसे जाने भी नहीं देना चाहता जी, और मैं फंसा खड़ा हूँ जी। और अगर मैं उसे ये वाल्मीकि जी की, मैं उसे सिर्फ ये कहता हूँ, सबसे पहले तो क्योंकि वो लड़की है तो उसमें ना इसकी बात करते कि ऐसे ट्रीट करते हैं, मैंने कहा देखो यहाँ ऐसे ट्रीट किया जाता है वुमेन को, क्या आपको लगता है हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में तो है, आप राधा कृष्ण बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, और हमारे साथ जितने भी राजा अपने कितने भी देवताओं की राजाओं की तस्वीरें देखो, उनमें रानी साथ में है जी। तो फिर हिंदू धर्म में कैसे हुआ? वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जो एजुकेशन है जी। मैंने उसे डीएवी में पढ़ा है, इसीलिए कि वो हवन करेंगे, वो सारी चीज करेंगे, लेकिन किताबें लिखी हुई है, वहां पढ़ाने वाले जो है, वो जो सिस्टम चला रहा है जी, उस सिस्टम के तहत वो इस चीज को एक्सेप्ट ही कर, वो अगर बोलो भी तो उसको दूसरे तरीके से इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है कि वो बीमार हो जाए। मैंने कहा वहां तो लेके नहीं जाना। ये कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ये समस्या है समाज में? मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है, लेकिन जी जी ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, घर का माहौल, ये ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे
घर का माहौल ऐसा ही है, हमारे घर में पूजा होती है, ये भी पढ़ते थे, वो हवन भी करते थे, उन्हें सारी चीजें हमने वही कराई, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं ऐसा किया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो इसी लाइन पे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो फिर अगर मैं कहूँ कम्युनिस्ट ने बनाया था, अरे वो तो बनाया था लेकिन हम ही उससे इन्फ्लुएंस इस तरह हुए, लेकिन ये बच्चे उस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जी मैं आता हूँ आपके पास, फिर मैं भूल जाऊंगा, इनका उत्तर दे दूँ। जी ठीक है, ठीक बात है, स्पिरिचुअलिटी तो और ज्यादा उसको सिर दर्द होगा, और ऐसा होता है बच्चों को बताना अगर मैं गलत कह रहा हूं। जैसे जैसे ही हमने वो बात की, जैसे ही बात छोड़िए भाषा, अगर हमने क्लिष्ट भाषा बोलनी शुरू कर दी, तो मतलब मैंने तो अपने बच्चों को बचपन से ब्रेन वॉश किया है तो इसलिए वो नहीं है, और बच्चों के नेचुरली प्रश्न होते हैं, ठीक है, ये आप हिंदू मुस्लिम, ये तो एक बहुत ब्रॉड लेवल की चीज है, अभी तो बहुत महीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो अध्यात्म में उनके प्रश्न होंगे। मेरे सामने उसने ये प्रश्न किया कि सचमुच हनुमान जी ने सूरज को खा लिया था क्या, निगल दिया था, ठीक है, अब मैं उसे कुछ समझाऊं तो उसके जो साइंस टीचर ने बताया वो उसके सामने आए, उसके साइंस टीचर ने हनुमान जी और इसके विषय में नहीं बताया, लेकिन जो भी उसका साइज और ये सारी चीजें जो भी उसने साइंस में पढ़ा है वो उसके सामने आए। मैंने उसको फिर समझाया और उस तरीके से समझाया, उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें आपको उसकी भाषा में समझाना है। हम क्या करते हैं, हम अपनी भाषा में समझाते हैं, और हम संघ वाले तो करते हैं क्योंकि हमने भाषा, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण नहीं सुनना है, उसको उदाहरण सुनना है बॉलीवुड का, उसको उदाहरण सुनना है फैशन इंडस्ट्री का, उसको स्पोर्ट्स का उदाहरण सुनना है, और अगर मैंने उस भाषा में उस उदाहरण में उसको वो बात समझा दी तो फिर उससे कट्टर हिंदू कोई नहीं मिलेगा। और ये मैंने प्रैक्टिकली, हम अपनी भाषा में बताते हैं, हमें उनकी भाषा में बात करना है, जो 6 साल का तो 6 साल की भाषा में बात करना है, जो जो वामपंथी चिन्ह उसको इस पूरे सिस्टम से दिए गए हैं उसके एजुकेशन की में आर्किमिडीज की भाषा में आपको उसे समझाना है, आपको उसे न्यूटन की भाषा में समझाना है, आपको अगर वो विमेन राइट्स की बात होती है तो आपको उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड से समझाना है। हम उसको समझाने चलते हैं ऋषि गार्गी से, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाती है क्योंकि उसको, उसने तो नहीं वो चीज उस वेग से नहीं पढ़ी है ना। या फिल्म अगर देखते हैं जैसे दूसरी चीज हमें नहीं आती, हमें नहीं आती, वो एक विषय है लेकिन दूसरा वो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जब हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में अगर कोई गाना, अगर आपने देखा होगा, हीरो है या हीरोइन है, आपने देखा होगा कि ब्लर इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, हीरो फोकस में है, उसके साथ जो बाकी पीछे वाले हैं वो ब्लर में है। कोई अगर हीरो है जो सलमान खान जैसा हीरो है जो 5 फुट का है, उसके साथ आप देखेंगे कभी भी एक्स्ट्रास जो होंगे वो 6.5 फुट के 6 फुट के नहीं होंगे, ठीक है, वो हमेशा उसके हाइट के ही होंगे, सलमान हो, आमिर हो या ऐसे ही कोई हो। तो उसमें क्या होता है, फोकस एक है, बाकी डिफोकस है, जो कैमरा की भाषा में बोला जाता है। और हमारे समाज के साथ, संस्कृति के साथ यही किया गया है कि वो जो जिहादी मानस, जो वामपंथी विचारधारा है उसको फोकस में रखा गया है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी विचारधारा को डिफोकस किया गया है। तो जैसे ही आप शुद्ध हिंदी में उनसे बोलना शुरू करते हैं, उनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जी आते हैं यहां पर, हमें उनकी भाषा में, और ये फिर हमारे विवेक पर निर्भर करता है, फिर हमारे ज्ञान को चुनौती होती है कि हम उस बात को उस विषय में, जैसे बताया उन्होंने कि योगासन, अगर हमें भाषा उनकी रखनी है, लेकिन हमें अगर विश्वास नहीं है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो आप कहेंगे नहीं, वो आपके अंदर से वाइब्रेट होगा। अगर आपके मन में इतना विश्वास है कि नहीं सचमुच हमारा धर्म साइंटिफिक है, जो हनुमान जी ने जो सूरज खाया था वो सूरज खाया नहीं था, ढका था, जो आपकी ये सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स की जो परिभाषा होती है, उस परिभाषा के हिसाब से जिसने उनको चैलेंज किया था, उस ऋषि था जो भी था वो, मैं सॉरी ध्यान नहीं है, लेकिन उसके सामने उन्होंने वो एक्लिप्स करके दिखाया था और उनके गाल पर ऐसे लाल पड़ रहा था, तो वो दिखा कि भाई ये सूरज उन्होंने निगल लिया है। वो साइंटिफिक जब तक हमें खुद को पता नहीं होगा, और उससे ज्यादा हमें विश्वास नहीं होगा कि हमारा धर्म साइंटिफिक है, हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, कन्विंस नहीं कर सकते। जी जी जैसे तो
किसने रोका? किसने रोका है? बच्चे वो एक देखिए वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, जब उसकी विश्वसनीयता बन जाएगी तब बच्चे वहां भेजे जाएंगे। ठीक है, आज पतंजलि का आचार्य कुलम है, वहां पर लाइन लगी रहती है, बच्चे एडमिशन के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए पहले विश्वसनीयता बनाई जाएगी। मैंने वो बोला ना कि जो हमें डिफोकस किया गया है कि भैया साधु है तो वो एक कुटिया में रहेगा, टूटी फूटी वहां पर वो होगी, वहां पर उसे सब कुछ ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो जाकर सिर्फ पंडित ही बन सकता है, वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता है। जबकि अगर देख लें तो हमारे इसरो में जितने भी साइंटिस्ट आते हैं वो इसी वैदिक परंपरा से आते हैं। इसी बात को बता रहा हूँ, गुरुकुल के नाम से भी ना जो इंग्लिश मीडियम टाइप की चीजें वो बना दी गई, एक्चुअल गुरुकुल चल रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो दो विषय चल रहे थे उस पर दो बात कहना चाहता हूँ। एक भाई मुझे समय आप बता दीजिएगा, तो चल रही है अच्छा जी। कहा जाति के लिए छोटी और बड़ी जाति, आपको ये समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि जब हमारे देश पे हमला हुआ था तो हमारे देश की जो सभ्यता थी, जो हमारे लिखे हुए ग्रंथ थे, उन्हें मिटाने की कोशिश की गई है। तो क्या सामने वाला वहीं पर रुका था? नहीं, उसमें मोडिफिकेशन भी किया गया था, यह हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हमारे बीच में इवन कई जो धार्मिक सीरियल आते हैं उनका एंड जो दिखाया जाता है ना, उसमें जो लिखी हुई चीजें सब प्रायोजित जो दिखाई गई है वो अलग होती है, सब प्रायोजित जो बताया भाई साहब ने, अब तक आप विश्वास नहीं करोगे ना, आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको अपने अंदर से रिसर्च करना पड़ेगा। वो जो भाई साहब ने बोला मीडिया के बारे में, इस पर मैं कहना चाहूंगा भाई साहब ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, बट एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर हम लोग अपने घर परिवार में कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर ले आते हैं, आपने बच्चों को कुछ सिखाना है या कुछ नहीं करना है, एक बच्चों के साथ रेगुलर बैठे खेले कूदे, दूसरा आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें गुनगुनाओ गाओ या बोलो या कुछ पोयम बोलो जिनसे वो अट्रैक्ट हो, जब वो उनके अंदर जाते हैं वो खुद उन्हें बोलने लग जाते हैं ना, तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाता है। वो कहीं चले जाए ना, आप ध्यान रखना, अगर आप बेसिक वैल्यूज अपने घर में दे पाए ना, तो किसी भी माहौल में फंसा फंसने से आप उसे नहीं रोक सकते, लेकिन वो फंस के निकल गया। मेरे क्वेश्चन है, सर सभी जानते हैं कि दुनिया जिस दिन उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो जो भी करेगा आप उसके साथ खड़े हैं, वो उस दिन कर देगा। इसीलिए नहीं हुआ ना, क्योंकि पता उन्हें जरूरत ही नहीं है ना, उनको पता है कि भैया जो मेरे सामने खड़े होंगे, जो वो शक्ति है जो वो चलाती हैं दुनिया को, जो 57 देश हैं और उसके अलावा जो हैं वो जितने खड़े होंगे, वो जो सिरदर्दी मेरे पास आएगी उतना ज्यादा मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ से। जी उनके पास इतना समय नहीं है या इतनी भावना नहीं है कि वो ट्विटर पे एक बार कॉन्डोलेंस दे दें कि मैं जो हुआ गलत हुआ, हम गोली लगी कह दिया कि मैं बहुत दुखा मैं बोली, कह रहे आपके जो है राज्य में एक आदमी है आपके आपकी प्रजा का, उसका सर काट दिया, उसके परिवार के प्रति सब इतना व्यक्त कर देते जी, उनसे बात समझ नहीं है। हम लोगों में से कितने लोग उदयपुर गए इस घटना के बाद? नहीं गए ना, क्या हम जा सकते थे? सर नहीं नहीं वो ठीक, मैं उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, उनके भी काम दे दूंगा, जा सकते थे क्या? जाना, मैं नहीं कह रहा कि उनको पैसा दान करके आओ या कुछ करके आओ, जाकर हम संवेदना प्रकट कर सकते थे, या संवेदना के अलावा इतना ही कि जो लोग आ जा रहे हैं उनको पानी पिला दें, उतना ही कर सकते थे, हम में से कितना ने किया? हम नेताओं को बहुत ज्यादा भाव दे देते हैं, हमें लगता है कि देश नेता चला रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि देश नेता चला रहे हैं, संवैधानिक पद चला रहे हैं? एक और दो तीन, चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए, लेकिन और मैं इससे भी थोड़ा सा भिन्न रखता हूं, और हमारा ये मॉडल रहा है हमारे देश का हमेशा, कि देश हमेशा आध्यात्मिक शक्ति चलाती थी, और गवर्नेंस चलाते थे नेता और देश चलाते थे गुरु, चाहे वो श्री राम के गुरु हों,
चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हों। तो वो हमारा मॉडल होना, वो आइडल मॉडल है, लेकिन अगर कोई नहीं मिलता है तो हम ठीक है नेताओं को ही मान लें। जी 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 लोकसभा में जी और हमारा क्या है उससे कुछ हम चाहते हैं ठीक है, लेकिन इस सरकार में पॉसिबिलिटी होती है कि उनको अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी ठीक है, स्ट्रॉन्ग सरकार को लेने पड़ेगी ठीक है, जो आप खड़े होंगे ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पावर दिखाना पड़ेगा। आज अगर यूपी की उसमें है हिंदू लीडर्स हमारे साथ कुछ कर रहे हैं तो ऐसे में कि लोगों सपोर्ट नहीं करते, सोशल मीडिया से बहुत अवेयरनेस आई है कि लोग समझ रहे हैं जी, और लोगों ने तो जागरूकता आ रही है, सीरियस स्टोरी आ रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शन सरकार को नहीं लेना। मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, मैं इसका उत्तर दे दूँ, बिल्कुल मानता हूँ। मोदी जी ने 2014 से पहले, चुनाव से पहले कैंपेन होता है जहाँ निर्धारित होता है कि आप क्या करने वाले हैं, कभी कहा कि मैं हिंदू हित में काम करूंगा? मोदी जी ने कभी कहा था मैं हिंदू हित में काम करूंगा? उन्होंने कहा था मैं हिंदुओं की सुरक्षा करूंगा? नहीं कहा था ना। मैं ये बात मानता हूं कि अधिकतर हिंदुओं ने इसीलिए उनको वोट दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने किन्हीं अन्य कारणों से वोट दिया है, जिसमें 2019 की अगर बात करें तो सबसे बड़ा वोट जो उनको मिला है नया, वो उन महिलाओं का मिला है जिनके घर उज्ज्वला योजना पहुंची है, ठीक है। तो उनको ये विश्वास नहीं है कि मैं विकास को छोड़कर हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर आ जाऊं तो मैं जीत जाऊंगा। जिस दिन हम उनको ये विश्वास, कैसे विश्वास दिलाएंगे, निकल जाते ना बाहर, पालघर हुआ था, निकल जाते बाहर, देख लेते कितना, और छोड़िए मोदी को ही गरियाने लगते, उनके ही उनका ही भवन जाकर घेर लेते कि भाई क्या कर रहे हैं आप एक बयान तो दीजिए। जिस दिन आप ये करते तो उस दिन उदयपुर की घटना पर खुद से वो खुद उदयपुर जाते, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्वीट करते, वो खुद उदयपुर जाते। वो नेता है भाई, वो हमने उनको महापुरुष की पदवी पर बिठा दिया है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग नेता हैं, उनको जहां लाभ दिखता है वो वहां करते हैं। ये समाज को निर्धारित करना है, और मोदी जी के ट्वीट करने से, मोदी जी के कुछ करने से कन्हैया लाल जी नहीं बच पाते, लेकिन समाज के जागने से कन्हैया लाल जी बचेंगे। एक मिनट जी, लेकिन उन्होंने जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं उनके जो जितने भी भाषण या जितने भी भाषण मैंने सुने जी, वो ये बात इंडिकेट करते हैं कि तुम मुझे कहो मैं करके दूंगा, कहते क्यों नहीं जी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कहो, भर भर के कहो मैं करके दूंगा, विश्वास करो कहो, लेकिन हम कहते भी नहीं। ये वैसे उनकी गलत अप्रोच है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये चीज है। मैं जैसे बात हो रही थी स्ट्रॉन्ग डिसीजन थी, तो 2019 में जब पूर्ण कांग्रेस से दोबारा सरकार बनी तो बहुत छोटे टाइम पीरियड में दो स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो गए थे, राम मंदिर और 370। 2020 में दिल्ली का चुनाव हुआ था, वही जो भाई साहब कह रहे हैं क्या सपोर्ट मिल पाया दिल्ली से, हम लोग दिल्ली में बैठे थे, मैं दिल्ली की बात कर रहा, नहीं मिल पाया, बीजेपी का वोट से बड़ा, पर वही जो 20-80 वाली हम कहते हैं तो 80% वोट तो नहीं आया, एक बात ये थी। दूसरा, रविंदर जी ने जो पहले पॉइंट किया था, विवेकानंद जी थे, अर्पित जी थे, एक कोई और था 2019 में मेरे यहाँ पे आए थे, मैंने जो सुनाया था कि ये ना राम मंदिर पे कुछ कर रहे हैं ना कश्मीर पे कुछ कर रहे हैं, अब पता नहीं इन्होंने जाके मोदी जी से कुछ कहा या क्या हुआ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने इनसे बोला, हो सकता है मैंने अपनी कुछ वीडियोस में भी बोला हो, ऐसा हो सकता है बहुत सारे संत उनसे मिले हो, उन्होंने उनसे बोला हो, जब समाज दबाव बनाएगा तो नेता करने पर मजबूर होगा। एक और किसी की बात रह गई थी, हाँ फिर मैं मिस ना कर जाऊं किसी को, आप हाथ खड़ा फिर से कर दीजिएगा। जी 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 जी, अब होता क्या है, जैसे जो मैंने होता था
में ये रहता है कि जनरल है तो ये होगा, एससी है तो ये होगा, एससी को ये रहेगा। और मेरे साथी लोग होते हैं वो सेम खाटू सर हमारे पास खास फर्क नहीं है जी, लेकिन उसके बाद भी जिसको बैटरी दी जाती है जी, तो होता क्या है उसके ना चाहते हुए भी जो कॉमन है उसके अंदर अब क्रिएट हो रहा है जी, चाहे तुम पहले ना जाते बात हो लेकिन इनिशियल थी ना क्रिएट हो रहा है दूसरे से टकराव क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मैं इस पे एक ही टिप्पणी करूंगा कि माननीय भागवत जी ने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले जिक्र कर दिया था, बस आगे नहीं बोलना चाहूंगा जी।